बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट भले ही इस बार ईद के मौके पर कोई खास धमाका न कर पाई हो, लेकिन भाईजान की उम्मीदें टूटी नहीं है। ये तो हर कोई जानता है कि सलमान जल्द ही रेस 3 में काम करने वाले हैं। जब से इस फिल्म में सलमान का नाम जुड़ा है, तभी से रेस 3 काफी सुर्खियों में है। वहीं अब इस फिल्म को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। सुनने में आ रहा है कि सलमान की रेस 3 साल 2018 में ईद पर ही धमाका करने वाली है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म ईद पर रिलीज की जाएगी। बता दें कि इस फिल्म के दोनों पार्ट्स में अभी तक सैफ का जलवा रहा था, लेकिन अब दबंग खान सबको रेस कराते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, सलमान का इस फिल्म से जुड़ना अब्बास मस्तान पर भी भारी पड़ गया है। खबरों की माने तो रेस 3 को डायरेक्ट करने के लिए सलमान ने रेमो को चुन लिया है। वहीं बात करें फिल्म की लीडिंग लेडीज की, तो इस फिल्म में सलमान की 3 हीरोइन होंगी, जिसमें से 2 का नाम सामने आ गया है। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म में सलूमिया के साथ जैकलिन और डेजी शाह नजर आ सकती हैं। खैर, अब जो भी हो, देखना तो ये दिलचस्प रहेगा कि साल 2018 में ईद पर सलमान रेस 3 के जरिए कितने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।